You're right. right. So I'm very fervently hoping that I can be heard. Oh, meri awaaz aa rahi hai? Yeah, great. And a good morning or good evening, depending upon the time slot that you get. Folks, in this class, we are going to take up sequence and series, right? इस क्लास में करने वाले सीक्वेंस एंड सीरीज तो बिगिन विद ऑब्वियसली सो ओके सो 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 वील टेक अप सीक्वेंस एंड सीरीज टू बी ब्रॉडकास्टेड ऑन 28 जून 2020. Now, class me a question. Yeah, the first thing first, right? What are the expectations in this class? But just tell you the number of questions that they have asked me recently. So, as far as I could see, इसमें मैंने omit किए हैं architecture के papers. मैंने सिर्फ BTech के papers को collect किया. So, 2019 में 8 papers हुए. उनमें कुछ 13 questions हैं. January वाले session में. April में 8 papers hue 14 questions 2020 mein aur jo jan mein hua tha 6 papers and 11 questions aage kya hoga April to khair chala hi gaya and we don't even know ki saal hoga bhi nahi who knows right so we don't know but ab dekhiye on an average you can expect around 1.5 questions aur is saal to ab expect kar sakte almost 2 questions In fact, एक पेपर था जिसमें there were 3 questions of sequence and series in 2020. अब particularly उन sections में ज़्यादा थी problem like integer type, right? तो मैं कहूँगा कि इस chapter को मैं focus करने के लिए क्यों? I don't think कि ऐसा कोई chapter है जिससे on an average 2 question आएंगे वो इतना ही बड़ा हो जितना sequence and series हो. नहीं अगर आप बोलेंगे calculus से तो 10 question आते हैं या 8 questions आते हैं fine आते हैं. बट देखिए भी दो कि कैलकुलस में क्या क्या आता है फंक्शंस DC1 DC2 IC1 IC2 डिफरेंशियल इक्वेशन राइट तो अगर उसको मिला जुला के 8-10 क्वेश्चन आ गए तो बिग डील अब बट यहाँ से अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 2 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आप करके आएंगे राइट दैट्स द थिंग अबाउट दिस ओके अब व्हाट वी आर गोइंग टू सो जल्दी से आपको बता दूं आइडिया क्या होगा मैं जल्दी से क्विकली मैं ब्रीज करूंगा थ्योरी से राइट फिर क्या करेंगे फिल्म प्रॉब्लम्स लेने वाले दैट्स हाउ वी विल गो विद दिस क्लास राइट सो देन फर्स्ट इज हम एपी देखने वाले फिर प्रॉब्लम्स देखेंगे जीपीएचपी देखेंगे प्रॉब्लम्स देखेंगे एजीपी एक प्रॉब्लम देखेंगे एएमजी एमएचएम इनइक्वालिटी देखेंगे कुछ अटे एक स्पेशल सीरीज देखेंगे और फिर एक कुछ टेलीस्कोपिक सब देखेंगे राइट ओके सो विद दिस अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन वी बिगिन हम शुरू करते हैं राइट सो बिगिन अच्छा देखिए व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन सेज ये जो सीक्वेंस है A1 A2 A3 ऑल द वे अप टू AN इसको आप एपी तब कहते हैं राइट इसको आप एपी में तब कहते हैं जब जो हर दो टर्म्स हैं आपके पास जो भी हर दो टर्म्स हैं आपके पास उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो जाए राइट दैट्स व्हेन यू से दैट द सीरीज इज इन एपी इज दैट ओके सो देखिए ये जो देखें ना लाइक A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2 ये सब इक्वल हो जाएंगे और जो ये कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी ना इस कांस्टेंट क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस राइट इज दैट ओके राइट सो देखिए AK माइनस AK-1 मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया इज दैट ओके ग्रेट जनरल टर्म ऑफ एपी क्या हो जाती है तो जनरल टर्म ऑफ एपी आरथ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस आर माइनस वन इंटू डी अब ये फॉर्मूला है हम इसको याद रखते हैं राइट सो दिस इज द आरथ टर्म ऑफ एपी चलिए अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूँ इसका यूज करेंगे तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि इसका यूज करके बड़ी सारी जगहों पे आप प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं व्हाट्स द थिंग इज कि
the sum of term equidistant from beginning and end is equal. Matlab, देखिए, first term from beginning and first term from end, second term from beginning and second term from end, okay. Similarly, third term from beginning and third term from end, इन सब का सम सेम होगा. और मतलब यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो ए वन प्लस अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो ए वन प्लस ए एन माइनस टू ए एन इज इक्वल टू ए टू प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए थ्री प्लस इज इक्वल टू ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू एन दिस कॉन्स्टेंट. देखिए यही यहां पर लिखा हुआ कि दैट ए के प्लस ए एन माइनस के प्लस वन कॉन्स्टेंट याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है राइट. इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम इक्वल होता है तो यूज करेंगे इसको. चलिए व्हाट सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है. सिंपल याद रखते हैं इसको. इट्स एन बाय टू ए वन प्लस ए एन मतलब एन बाय टू नंबर ऑफ टर्म्स बाय टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या एन बाय टू इंटू टू ए. टू ए मीन्स ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन डिग्री where n is the number of terms, d is the common difference. Okay, till next. हम कह रहे कि अगर sequence a1, a2, a3 all the way up to an AP में है, तो ये सारे sequences भी AP में होंगे. मतलब AP में अगर अगर आप एक constant number add कर देते हैं, तब भी resulting sequence AP होगी. अगर AP में से एक constant number subtract कर देते हैं, तब भी resulting sequence AP होगी. अगर एक AP में से आप constant number से multiply कर देते हैं, तब भी sequence AP में होगी. That's the only thing that we want to say, right? Okay. अब aims introduce करना है. What are aims? Arithmetic means. किसके बीच में introduce करना है? A और B के बीच में. कितने करने हैं? N करने हैं. तो आप assume कर लीजिए कि वो जो arithmetic means है वो ये a1, a2 all the way up to an. तो आप इनको A और B के बीच का arithmetic mean तब बता देंगे जब ये पूरा sequence कहाँ से पूरा sequence A से शुरू होता हुआ कहाँ तक जाता हुआ B तक जाता हुआ arithmetic progression में. Are we clear? Okay. arithmetic progression में हो तो देखिए कितने टर्म्स है यहाँ पे. आई बिलीव आप देखेंगे तो n प्लस टू टर्म्स होगी. क्यों सोचे ए वन से एन तक तो n टर्म्स हो गए. फिर a और b भी हो गए कितने हो गए दो टर्म्स और टोटल टर्म्स कितने हो गए n प्लस टू. तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है a नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n प्लस टू. b कौन सी टर्म हो जाएगी n प्लस टू टर्म. तो आप तो मेरे से अग्री करते हैं ना कि एक एपी की किसी टर्म को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म तो ए पता ही है कॉमन डिफरेंस आ गया तो आंसर आ गया. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम ये करते हैं कि हम कहते हैं बी जो है आपका वो एन प्लस टू टर्म है. इट शुड बी इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी. तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ से ए के आ जाएगा. ए के विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस के डी. कन्फ्यूज मत होइएगा मत कहिएगा कि ए के शुड बी ए प्लस के माइनस वन इंटू डी. आप देखेंगे अगर तो ए के विल बी द के प्लस वन एथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस नॉट के एथ टर्म. लाइक ए वन आप देख रहे हैं सेकेंड टर्म है ए टू क्या है थर्ड टर्म है. वैसे ए के विल बी के प्लस वन एथ टर्म टू दिस राइट. चलो लेट्स टेक प्रॉब्लम्स. करें प्रॉब्लम्स इस पे. ओके आर रीड द प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम सेज सम आइडेंटिकल बॉल्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है फर्स्ट बॉल फर्स्ट रो कंटेन्स वन बॉल तो एक में एक है यार. सेकेंड कंटेन्स टू बॉल्स अच्छा भाई ऐसे है थ्री बॉल्स. अच्छा तो ऐसे कुछ एन है आपके पास. नहीं नहीं पता यार. फिर क्या बोले फर्स्ट में देखिए फर्स्ट रो में वन बॉल है सेकेंड रो में दो बॉल है थर्ड रो में तीन बॉल है ऐसे कुछ है सो ऑन. बोला कि 99 बॉल्स और ऐड कर दिए ना तो नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड इन फॉर्मिंग द इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके देन all these balls can be arranged into a square whose each side contains two less ball than the number of balls each side of triangle contains. So, पहले देखिए हम assume करते हैं कि ऐसे n rows हैं. कितने rows हैं? Assume n rows. है ना जैसे ये first row, second row, ऐसे n row है. तो मेरे से agree करते हैं कि triangle के एक side के along n balls होंगे ना. और total number of balls कितने होंगे triangle में? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे? दे वुड बी वन प्लस टू. इसमें वन बॉल इसमें दो बॉल्स इसमें तीन बॉल्स ऐसे एन एथ रो में कितने बॉल्स हो जाएंगे? एन बॉल्स.
which is आप जानते हैं n into n plus 1 by 2, right? अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि टोटल बॉल में मतलब n into n plus 1 by 2 में अगर 99 बॉल ऐड कर दिया, अच्छा वो स्क्वायर बन जाएगा, अच्छा उस स्क्वायर में हर साइड में कितने बॉल्स होंगे, 2 less than the number of balls in each side. तो मुझे बताइए ट्राइंगल में, इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर साइड में कितने बॉल होंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल के हर साइड में कितने बॉल होंगे, एन बॉल ट्रिवियल है देखना, नहीं एक देखो एक दो तीन ऐसे एन हो जाएगा राइट. तो अगर ट्राइंगल के हर एक साइड में एन बॉल है तो स्क्वायर के हर एक साइड में कितने बॉल्स हो जाएंगे, एन माइनस टू, क्योंकि दो होना है, दो कम होना है, तो उस स्क्वायर के अंदर कितने बॉल्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, एन माइनस टू का स्क्वायर कितने बॉल्स हो जाएंगे राइट. अब ट्राइंगल में जितने बॉल्स थे उसमें आपने 99 ऐड कर दिया तो वो स्क्वायर बन गया, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इक्वली होंगे भाई राइट. सॉल्व कर लेते हैं, एन की वैल्यू आ जाएगी, अब जल्दी करो इसको. सो देयर इज एन टू एन प्लस 1 बाय 2 प्लस 99 इज इक्वल टू एन माइनस 2 का स्क्वायर व्हिच इज एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 198 इज इक्वल टू 2 एन स्क्वायर माइनस 8 एन प्लस 8 I believe ऐसे ही आएगा, which is n squared minus 9n minus 190 equal to 0, which is n minus 19 into n plus 10 equal to 0. Obviously n equal to minus 10 rejected है. Number of balls negative तो होंगे नहीं, तो n की value क्या आ जाएगी, 19. पूछा क्या फिर उन्होंने, number of balls in equilateral triangle, इतने थे number of balls in equilateral triangle, तो वो क्या हो जाएगा, 19 into 19 plus 1 by 2, which is 19 into 20 by 2. 2 tens are 20. So this is 190. And we are done. Answer kya jayega, A part. Okay, moving on. Chale. Dekho, problem number 2. In fact, next dekhiye. The sum of product of 3 terms in an AP are 33 and 115. So AP ki, ab dekhiye, main yehi keh raha tha ki, as we go along, just the same problem solve karenge, नए नए टिप्स नए नए टेक्निक्स देख लेंगे राइट. तो फॉर एग्जाम्पल हम तीन टर्म्स क्या देखते हैं इसमें, एपी के तीन टर्म्स लेने हैं, तो ए माइनस डी ए प्लस डी ले लेते हैं ठीक है भाई. क्या दे रखा है, सम इज 33, इन दोनों का सम क्या आएगा, जल्दी देखो 3a, 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 33, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 राइट. एंड द प्रोडक्ट इज 11, 15, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी इज इक्वल 1, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 5 है ना. अब इतना मुश्किल है देखना कि इन दोनों को क्लब करोगे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. अच्छा ए की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं क्या है, 11, 11 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल 1, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 5 राइट. तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया, आई थिंक दैट्स 105, देखिए ऐसा ही आएगा. ओके ए की वैल्यू पुट करते हैं, वो 11 आ जाएगा, ए की वैल्यू 11 है, तो इट्स 11 का स्क्वायर विच इज 121, नॉट अ रॉकेट साइंस, ये ऐसा कुछ आ जाएगा राइट. तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4. अब देखिए यहां से दो पॉसिबिलिटीज है राइट. क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि ए जो है आपका, मतलब ये जो है दिस इज 11, वो तो फिक्स है, बट क्या फिक्स नहीं है कि डी की वैल्यू क्या ले, डी की वैल्यू प्लस 4 ले या माइनस 4 ले. अच्छा निकालना क्या है, 11th टर्म. अच्छा सोचो हम 11th टर्म निकाले, उससे अच्छा हम बोल दें कि इसको अगर ए को अगर हम फर्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं तो हम 10th टर्म निकाल रहे हैं राइट. सोचिए ना, जो यहां से 11th टर्म होगी एपी की, वो यहां से 10th टर्म ही हो जाएगी राइट. ये तो क्लियर है ना. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है 10th टर्म की, तो या तो 10th टर्म होगी 11, अब 10th टर्म निकालना याद रखिएगा, तो कुड बी 10 माइनस 1 इंटू 4, या फिर हो जाएगी 11 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 4, इन्हीं दोनों में से कोई एक टर्म होगी. आई होप आप मेरे से एग्री करेंगे राइट. सो आई बिलीव आपको ये दिखता है कि दिस इज माइनस 36, दिस इज माइनस 25,
अच्छा ये वाली क्या हो जाएगी, दिस 36, 36 प्लस 11 इज 47. मुझे 47 कहीं आंसर में दिखता नहीं है, बट वो भी एक प्रोबेबल आंसर था. तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 25 बन गया. इज दैट ओके, मूविंग ऑन. चलिए देखिए नेक्स्ट. और नेक्स्ट क्या है, इट सेज 7, 8, 2, 8, 3 आर इन AP. AP में दे रखा है. अच्छा सम हम दे रखा है कुछ. सम क्या है, A1 प्लस A7 प्लस A16 इज 40 है ना. देन पूछा सम किसका पूछा. अच्छा पहले तो आएंगे इस पे बाद में, कंडीशन यूज करेंगे बाद में. किसका सम पूछा है, 15 टर्म्स का. अच्छा देखो यार, या तो हम इसको करें बिल्कुल फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ये सब अस्यूम करें है ना, जो हम कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. बट हम वो वाला यूज करें जो गॉस ने किया था, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड इज इक्वल. आपको दिखता है 15 टर्म्स है, तो बीच वाली टर्म क्या होगी, A8 होगी. क्यों भाई, बिकॉज 15 प्लस 1 बाई 2 इज 8, 8 बीच वाली टर्म होगी राइट. अच्छा तो वही करते हैं, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट वाला फंडा यूज करते हैं. दिस प्लस दिस इज इट इक्वल टू 2A8 होगा ना. दिस प्लस दिस क्या जाएगा, 2A8. दिस प्लस दिस 2A8 आपको दिखता है 15 टर्म्स है, आपको दिखता है 7 ऐसे पेयर बन जाएंगे ना. और हर एक पेयर का सम क्या आएगा, 2A8 राइट. तो टोटल क्या आ जाएगा, 7 into 2, 8. एक टर्म बचेगी, कौन सी टर्म बचेगी, बीच वाली टर्म, वो खुद 8 होगी. तो आप मेरे से अग्री करते हैं कि एक्चुअली जो 15 टर्म्स का सम है ना, वो 15 to 8 है सिंपली. ये बात क्लियर है क्यों, बिकॉज A1 प्लस A15 क्या है मेरे पास, 2A8, AP की प्रॉपर्टी से. A2 प्लस A14 क्या है, 2A8, सब 2A8 है भाई, एक 8 बस 8 हुआ. तो ये किसके इक्वल है, 15A8 राइट. अच्छा देखिए मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, आप दूसरे मेथड से करेंगे तो नहीं होगा, बट हम ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स है ना, हम प्रॉब्लम देख के बता देंगे आंसर बिना ए और डी में जाए हुए, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ. नहीं हुआ तो हम फिर ए डी पे आ जाएंगे ऑब्वियसली. चलो देखो ये निकालना है, इनफैक्ट ये दे रखा है, माई बैड. अच्छा देखो यार, इज इट फेयर टू से कि A1 प्लस A16 इज इक्वल टू A8 प्लस A9. मैं कह रहा हूं कि आप A1 प्लस A16 को 8 प्लस A9 लिख सकते हैं. मैं कह रहा हूं ये ट्रू होगा. क्यों ट्रू होगा, बिकॉज सेम सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल. और अगर रट्टा ही मान लेना, तो रट्टा ऐसे मारो कि 1 और 16 का सम क्या है, 17, 8 और 9 का सम क्या है, 17, इक्वल होगा. ओके जब जब सम 17 आएगा ना, तब तब इक्वल होगा. 3 और 14 का सम क्या है, 17, तो A1 प्लस A16, A3 प्लस A14 भी होगा राइट. ओके तो इनफैक्ट ये 40 दे रखा है यार, है ना. अच्छा आप देखो ये आपको दिखता है AP की तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो A7 प्लस A9 2A8 दिखता है. A7 प्लस A9 क्या दिखता है, 2A8. तो ये इफेक्टिवली क्या आ जाएगा, 3A8. 3A8 की वैल्यू क्या होगी, 40. तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, 15A8. 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 एंड वी आर डन राइट. अच्छा मैंने जानबूझ के इसको इस मेथड से किया, क्यों किया, बिकॉज जे मीन्स की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आप इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड से करके देख के बता देंगे आपसे, AD नहीं करना पड़ेगा राइट. तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जब आप इसको वापस से करें तो एक बार उस मेथड से भी कीजिएगा, बट इस मेथड से भी समझ लीजिएगा. चलिए अभी कम टू जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. आप कब कहते हैं आप सीक्वेंस को जीपी में, तब कहते हैं जब रेशियो कांस्टेंट हो जाए भाई, है ना. तो मतलब क्या कांस्टेंट हो जाए, रेशियो, जैसे A2 बाई A1 इक्वल हो जाए A3 बाई A2 के, इक्वल हो जाए A4 बाई A3 के एंड सो ऑन राइट. तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो किसमें, जी में. क्लियर है, इंपॉर्टेंट बात. इस कॉन्स्टेंट रेशियो को क्या कहते हैं, आर. ये तो हम जानते हैं,
बट उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि ये हम याद रखेंगे जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि लिखा है दो चीजें नहीं हो सकती यहाँ पे लोग गलती करते हैं याद रखिएगा जीपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती याद रखिएगा जीपी का कॉमन रेशियो जीरो नहीं हो सकता तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर कुछ आर की रेंज रेंज पूछी है मतलब कॉमन रेशियो की और उसमें जीरो भी इंक्लूडेड है वो हटाना पड़ेगा आपको ये याद रखिए और कोई भी ऐसी जीपी अलाउड नहीं है जिसमें कोई भी टर्म जीरो हो जाए राइट चलिए अब मां जाते हैं kth टर्म ऑफ जीपी जीपी की जनरल टर्म क्या है a इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर k माइनस 1 ओके a क्या है फर्स्ट टर्म r क्या है कॉमन रेशियो और kth टर्म है राइट जीपी की n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है a इनटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हिच इज एज गुड एज a इनटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r यहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म r क्या है कॉमन रेशियो अब मॉड ऑफ r अगर लेस देन 1 हो जाए और आपसे इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी पूछा गया है तो आई बिलीव आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले में r की पावर n की वैल्यू 0 हो जाएगी क्यों r का मॉड 1 से छोटा है मतलब r माइनस 1 से 1 के बीच लाया कर रहा है उसकी इनफिनिटली ग्रेट पावर तो 0 के बाद क्लोज हो जाएगी राइट तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 0 तो इट्स a अपॉन 1 माइनस r क्लियर है ओके अब याद करो ये भी मैं बोलूंगा कि ये याद रख लेना जैसे एपी में अभी बताया एपी में क्या होता था कि equidistant term from beginning and end का sum constant होता था, right? GP में क्या होगा? equidistant term from beginning and end का product constant होगा। याद रहेगी बात? Great। ये लिखा है। मतलब देखो जैसे a1 into an is equal to a2 into an minus 1 and so on। ऐसा होता चला जाएगा। बहुत सारी problem है ना जो हम देख के बता देंगे क्या होगा। Okay? चलिए। अब अगर कोई sequence GP में A1, A2, A3 ये GP में उसको किसी भी non-zero number से multiply कर दो resulting sequence भी GP में होगा right जैसे हम AM introduce करते थे कैसे introduce करते थे A और B के बीच में आप कहते थे भाई अगर दो numbers given हैं A and B तो उनके बीच में अगर A1, A2, A3 all the way up to AN को उनका arithmetic mean तब कहोगे जब पूरा sequence किसमें हो जाए AP में similarly दो given numbers से A and B numbers A1, A2, A3, all the way to AN को बीच में इंट्रोड्यूस कर दीजिए और कह दीजिए GM में कब जब ये पूरा सीक्वेंस किसमें हो जाए GP में ओके तो करना क्या बचता है A1, A2 की वैल्यू निकालनी बचती है तो आइडिया ये सोचो ना कि डू यू अग्री कि ये पूरा सीक्वेंस GP में GP निकालने के लिए आपको क्या चाहिए सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म तो ए पता ही है राइट कॉमन रेशियो पता चल गया तो आ जाएगा आंसर वापस से मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा आपको पता है n plus 2 टर्म्स की जीपी है तो बी जो होगी वो n plus 12th टर्म होगी तो देखिए यहाँ से कॉमन रेशियो आ गया और फिर यहाँ से AK आ जाएगा आपको पता है AK is not the kth term k plus 1 th term वो सब जानते हैं राइट ग्रेट क्योंकि हमने एपी में देखा था नेक्स्ट देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन व्हाट डज इट से इट सेज दैट अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इवन इट एन ये एचपी में है कब जब 1 upon A1, 1 upon A2 all the way to 1 upon AN AP में होगा राइट तो अगर सिंपल सी बात है भाई नंबर्स नॉन जीरो होने चाहिए और इनका रेसिप्रोकल AP होना चाहिए दैट्स इट अगर रेसिप्रोकल AP में है तो ये कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा फिर राइट और AP से तो डील कर हम जानते हैं ग्रेट अब Introducing inharmonic means between two numbers, A1, A and B. क्या कैसे harmonic mean कैसे introduce करोगे? जैसे A and G किया था यार. क्या करोगे? A1, A और B के बीच में n numbers introduce करोगे. A1, A2, A3, AN, all the way up to B. क्या दोगे ये सारे numbers HM हैं? कब हैं HM? जब ये पूरा sequence किसमें हो जाए? HP में. अब HP की condition लगा दीजिए, harmonic means आ जाएंगे, right? Great. Problem करते हैं. प्रॉब्लम का नेचर देख के मुझे लगता है कि ये इनफिनिट जीपी है आपको दिखता है ये दिखती है जैसे अगर फर्स्ट सीरीज में देखूं फर्स्ट सीरीज आप देखो तो इट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब ऑल द वे तो जीपी तो दिखती है इनफिनिट क्योंकि एंटर इनटू इनफिनिटी है तो हम सिंपली यूज कर लेते हैं इनफिनिट जीपी का फॉर्मूला राइट रॉन्ग हमें पता कैसे है कि जीपी का कॉमन रेशियो का मॉड लेस देन 1 है क्योंकि अगर वो ट्रू नहीं है तो
तो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, आप जानते हैं राइट। तो पहले तो पता करना पड़ेगा कि इसका रूट लाए कहां पर कर रहा है। चलिए देखते हैं। सो देखो एफ एफ एक्स ले लिया 35x² - 25x - 2। अब हम जीपी का फॉर्मूला तभी यूज कर पाएंगे जब कॉमन रेशियो कहां लाए करें, बिटवीन माइनस वन एंड वन। देखते हैं एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, इट्स 35 एंड प्लस 25 माइनस 2। लीस्ट इंटरेस्टेड नंबर क्या है, ये पॉजिटिव है राइट। एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो इज माइनस 2 व्हिच इज नेगेटिव। एफ ऑफ वन क्या है, 35 - 25 - 2 व्हिच इज पॉजिटिव, 2 हो गया शायद। अब देख रहे हैं फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब बीच में एक रूट होगा राइट, कॉल दैट इज अल्फा, बोलिए उसको अल्फा। देखिए फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, अग्री करते हैं बीच में एग्जैक्टली एक रूट होगा। तो आप अग्री करते हैं कि अल्फा लाइक कर रहा है बिटवीन माइनस वन एंड जीरो, और आप अग्री करते हैं कि बीटा लाइक कर रहा है बिटवीन जीरो एंड वन। आप देखते हैं दोनों नंबर का मॉडुलस इज लेस देन वन राइट। तो अब क्या हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, यस करते हैं। तो वो क्या देखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 3 all the way up to infinity plus beta square plus all the way up to infinity, infinite se aapko nikalna aata hai kya aayega, a upon 1 minus a, a hoga plus matlab first term upon 1 minus common ratio, common ratio kya is gp ka alpha, similarly is infinite gp ki first term kya beta, common ratio kya dekhiye beta, to ye kya aayega plus 1 minus beta right, great। Ab moving on aage kariye, सिंपलीफाई कीजिए क्या आ जाएगा, इट्स अल्फा इनटू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा इनटू 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इनटू 1 माइनस बीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, कर दिया गया। अच्छा इसको लिख सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। Great. अब यहां से हम कुछ कुछ देख के बता सकते हैं राइट, एक्सक्यूज मी, देखिए ना सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 25 by 375, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए विच इज माइनस 2 अपॉन 375 राइट, विच इज 25 अपॉन 375 एंड ये यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए राइट। मैंने मिस कर दिया, देखिए माइनस 2 अल्फा बीटा होगा ना यार, देखिए अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा दो बार, तो वो माइनस 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4 अपॉन 375 अपॉन, हम होप मैंने ठीक किया, 1 माइनस 1 minus sum of roots 25 upon 375 a plus alpha beta, alpha beta give value kya ho jayega mere paas minus 2 upon 375, so I think 375 cancel ho gaya, 375 minus 25 is 350, 350 minus 2 is 348, so this should be the answer, something like that right। Let me verify the calculation once, so it's 375 minus 25 is 350, 350 minus 2 is 348, and numerator maine theek kiya I believe, alpha plus beta is what, 25 by 375, aur ye aisa kar diya maine, minus alpha beta plus ho jayega, yeah that should be the answer, chalo like moving on, I'll look at this problem, in fact the options are added, assume that this is an integer type problem, integer type problem aa rahe hain aajkal JEE mains mein, aur isliye samajh lijiye ki yahan pe bhi hum integer type problem se deal kar rahe hain right, what does it say, kya kehte hain, dekhiye x is abc is positive integers and b by is also an integer, so theek hai abc are in gp, to dekhiye main ye le leta hu ki a ko a rehne dete hain, कॉमन रेशियो आर लेते हैं, तो टर्म्स हो जाएंगे ए ए आर
ar square. R is an integer. QR is an integer for obvious reasons. दे रखा है कि b by a is an integer, है ना? तो अगर b by a integer है, b by a कुछ भी नहीं है, common ratio of gp का, तो r integer आ जाएगा, Great. अब फिर क्या बोला इन्होंने? अब बोला ये है कि next that abc का mean is b plus 2. abc का mean is b plus 2. ऐसा है ना? मतलब a प्लस बी, बी को क्या लिख देते हैं? लिख देते हैं ar. cc को क्या लिख देते हैं? लिख देते हैं ar square. इज इक्वल टू थ्राइस बी. थ्राइस बी को क्या लिख देते हैं? ar. थ्राइस इंटू टू अब व्हिच इज 6. ऐसा कुछ कर लें, इसको पुल कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए क्या हो जाएगा. प्लस r square और ये दिखता है आपको माइनस 2r बन जाएगा. प्लस 1 इज इक्वल टू 6, राइट? अब व्हिच इज a इंटू r माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6. अच्छा, और क्या है? याद रखिए abc क्या है? पॉजिटिव इंटीजर. तो r भी क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर. तो r माइनस 1 भी क्या होने वाला? पॉजिटिव इंटीजर, राइट? अब 6 को क्या लिखें आपको? एक इंटीजर का स्क्वायर, एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इनटू अनदर पॉजिटिव इंटीजर, राइट? तो कह दूं कि इसका मतलब ये इंटीजर का स्क्वायर जो है ये 1 ही होगा भाई. ये 1 ही होगा. क्यों? ये 1 का स्क्वायर ही होगा, मतलब या तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा, कुछ भी कर लो. द आइडिया इज कि यही होगा. अब क्यों? बिकॉज सोचिए, अगर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना, तो आई बिलीव आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 4 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट हैंड साइड 4 से डिविजिबल नहीं है, सोल्यूशन नहीं होगा. और 2 से ज्यादा का स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड से बड़ा हो जाएगा, राइट? तो आई बिलीव आप मेरे से एग्री करेंगे, इसका मतलब r माइनस 1 की जो वैल्यू होगी, तो इन एनी केस आई डोंट केयर, मतलब a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? a की वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब r माइनस 1 स्क्वायर हैज टू बी 1, है ना? उसको एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होना है, और वो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर सिर्फ 1 का ही स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर में लेफ्ट हैंड साइड 4 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 4 से डिविजिबल है, राइट हैंड साइड नहीं है. आगे में लेफ्ट हैंड साइड विल बी ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, क्योंकि 3 का स्क्वायर 6 से बड़ा हो जाएगा, राइट? इट हैज टू बी 1. तो a की वैल्यू क्या है? 6. पूछो किसकी वैल्यू है? a स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 अपॉन a प्लस 1. अब व्हिच इज 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 1. अब व्हिच इज 36 प्लस 6 इज 42. 42 माइनस 14 इज 28. 28 upon 7 is 4. So the answer is 4. Right? Good. Great. Move on. एक हार्मोनिक सीक्वेंस से देख लेते हैं, हार्मोनिक सीरीज से देख लेते हैं. देखिए ये दे रखा है कि that SN is this, then S200 is greater than 100. तो आप देख रहे हैं कि नेक चेक किस पे कमेंट करना है, या तो SN पे कमेंट करना है, राइट? या किस पे कमेंट करना है? एस टू एन पे. एस एन क्या है? इट्स 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस ऑल द वे अप टू 1 अपॉन 2 टू द पावर एन माइनस 1. अब मैं इनुमरेट करने वाला हूँ, हाँ थोड़ा सा लिखने वाला हूँ एस एन को. देखिए मैं लिखता हूँ 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, ओके, एंड प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 10 1 बाई 11 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 13 14 प्लस 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 16 एंड सो ऑन. मतलब नहीं कर रहा यार, टू द पावर एन माइनस 4. आप समझ रहे हैं, अगर नेक्स्ट टर्म कुछ होती ना तो वो होती 1 अपॉन 2 की पावर एन, है ना, जो नहीं है. बट अगर नेक्स्ट टर्म होती तो ये होती, राइट? ओके, तो देखिए जो प्रूव करना है या देखना है वो फंडामेंटली क्या है, वो ये है दैट मतलब एस एन के बारे में कमेंट ये करना है कि क्या एस एन एन से बड़ा है या एस एन एन से छोटा है. यही है ना, मतलब एस 100 इज ग्रेटर देन 100, एस 100 इज लेस देन 100. तो या तो एस एन इज ग्रेटर देन एन या तो एस एन इज लेस देन एन. अब अगर आपको एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा ना,
मैं कहूंगा इंडक्शन यूज कर लेना, देखना कि छोटी छोटी वैल्यूज के लिए क्या ट्रू है। फाइन, ये गेस करने का एक वे है, प्रूव करने का वे नहीं है भाई, ना प्रूव तो उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा आपको। माई क्लेम इज दैट क्लेम दैट एस एन इज लेस देन एन। अब अगर आपको लग रहा है कि कैसे बोल दिया, मैं कहूंगा मैंने छोटे छोटे ड्रम्स देखे भाई, मुझे दिख रहा है कि तीन, जब तीन करोगे ना तो वो तीन से कम आ जाएगा सर, इसलिए मैंने बोला। अब देखिए प्रूव कर देते हैं, कैसे प्रूव कर देते हैं, ऐसे प्रूव कर देते हैं दैट हमें कहते हैं एस एन इज लेस देन वन। सोचो यार, इन दो नंबर्स को अगर मैं वन बाई टू से रिप्लेस कर दूं, वन बाई थ्री को भी वन बाई टू से रिप्लेस कर दूं, तो आप अग्री करेंगे ना कि जो रिजल्टिंग सम होगा वो एस एन से बड़ा होगा, राइट? क्योंकि वन बाई टू इज ग्रेटर देन वन बाई थ्री। ओके, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू कर देता हूं। अच्छा देखो, ये चार टर्म्स को देखना, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया। इन चार टर्म्स को देखना, अगर इन चारों टर्म्स को मैंने वन बाई फोर से रिप्लेस कर दिया तो क्या मेरे से अग्री करोगे कि जो रिजल्टिंग सम होगा वो एस एन से बड़ा होगा? क्योंकि एस एन में तो वन बाई फाइव भी है, वन बाई सिक्स भी है, वन बाई सेवन भी है, और मैंने सबको वन बाई फोर से रिप्लेस कर दिया, वन बाई फोर वन बाई फाइव से बड़ा है, तो इज ग्रेटर देन वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, राइट? अच्छा, आई थिंक नाउ यू आर थिंकिंग अहेड ऑफ मी, अब शायद आप मेरे से आगे सोच रहे हैं, राइट? क्या सोच रहे हैं? नेक्स्ट एट टर्म्स को किससे आप रिप्लेस कर दोगे? तो मैं कह दूं कि वो एट इंटू वन बाई एट हो जाएगा, राइट? अच्छा, ऐसे ही करते हुए चले जाओ, आप अग्री करते हो कि यहां पे इससे पहले कहीं पे टू द पावर एन माइनस वन टर्म्स हो गए, ये टू द पावर एन माइनस वन होगा यहाँ पर कहीं पहले पे। नहीं, बिकॉज देखो ना, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आती, अगर आती तो टू की पावर एन, वन अपॉन टू की पावर एन आती, तो उससे पहले डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टू की पावर एन माइनस वन आएगा। ऐसे ही करके लिखा जा सकता है कि टू की पावर एन माइनस वन इंटू वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, सबको रिप्लेस कर दिया वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन से, तो क्या एस एन इससे छोटा होगा, राइट? ओके, सो एस एन जो है मेरा छोटा हो गया, किससे छोटा हो गया, वन प्लस, मैं लिख रहा हूं देखिए, टू इंटू वन बाई टू प्लस फोर इंटू वन बाई फोर, फोर इंटू वन बाई फोर प्लस एट इंटू वन बाई एट प्लस सो ऑन, टू द पावर एन माइनस वन इंटू वन अपॉन टू द पावर एन माइनस वन, ऐसा कुछ आ गया। ओके, कोई दिखता है सारी वैल्यूज वन है, वन 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 वन, कितनी बार वन हुआ, एन बार, क्यों? देखिए शुरू कहां से हुआ है, टू की पावर जीरो से, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, कहां तक गए, टू की पावर एन माइनस वन तक। तो जीरो से एन माइनस वन कितने टर्म्स होंगे, एन, सभी का सम क्या, वन, तो प्रूव हो गया कि दैट एस एन इज लेस देन एन, राइट? इसका मतलब एस हंड्रेड विल बी इंडीड लेस देन हंड्रेड, ये ट्रू आ गया, है ना? चलिए अब द नेक्स्ट पार्ट इज एस टू एन वाला, कि एस टू एन हंड्रेड से बड़ा है, एस टू एन हंड्रेड से छोटा है। माई क्लेम इज अगेन, वो क्लेम ऐसे नहीं आया, वो देखने के बाद आया कि दैट एस टू एन इज इन फैक्ट ग्रेटर देन एन, राइट? कैसे? अब ये प्रूव करने के लिए मैं सीरीज को वापस से आपके पास लेके आता हूं। So, look at the series. इस सीरीज को देखिए, अब मैं एस टू एन में इंटरेस्टेड हूं, अभी एस टू एन में इंटरेस्टेड है, तो आप कहां तक जाएंगे, आप जाएंगे इनफैक्ट वन अपॉन टू द पावर टू एन माइनस वन तक जाएंगे, राइट? उसके अगर आगे कोई टर्म होती तो वो होती वन अपॉन टू की पावर टू एन, ऐसा कुछ होता, राइट? ओके, चलो अब वापस से देखो, एंड आप
मुझे ये करके बता रहा, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूं कि दैट एस टू एन इज इन फैक्ट ग्रेटर देन एस टू एन इज इन फैक्ट ग्रेटर देन एस टू एन इज ग्रेटर देन, अब किससे ग्रेटर में ले रहा हूं, और देखिए मैं कहता हूं वन को रहने देते हैं, वन बाई टू को भी रहने देते हैं। अच्छा अब यहां देखो, इन दोनों को क्लब करो और इन दोनों को वन बाई फोर से रिप्लेस कर दो। तो सोचो यार, अगर 1 by 3 को भी 1 by 4 से रिप्लेस कर दिया, तो डोंट यू एग्री आपकी एस टू एन की वैल्यू एक्चुअली रिजल्टिंग सीरीज से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एस टू एन में 1 by 3 है और आपने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, 1 by 4 से, है ना। 1 by 4 तो छोटा होता है 1 by 3 से, तो मैं कह रहा हूँ कि 2 into 1 by 4 कर सकते हैं। अच्छा अब देखना कि इन सब को चार टर्म्स को अगर 1 by 8 से रिप्लेस कर दिया, इसे रिप्लेस कर दिया 1 by 8 से, डू यू एग्री आपकी जो रिजल्टिंग सीरीज है वो S2N से छोटी होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि S2N में 1 by 5 भी है, 1 by 6 भी है, 1 by 7 भी है, 1 by 8 भी है। अपने रिजल्टिंग सीरीज में क्या किया है, 1 by 5 को भी 1 by 8 से रिप्लेस किया, 1 by 6 को भी 1 by 8 से रिप्लेस किया, 1 by 8 को भी 1 by 8 से रिप्लेस किया, 1 by 7 को भी 1 by 8 से रिप्लेस किया, राइट। 4 into ऐसे 1 by 8 ऐसे करते चले जाए, फिर ऐसे करते चले जाओ यार, प्लस सो ऑन, प्लस आई विल से दैट मैं क्या कहूंगा कि जो रिजल्टिंग टर्म आई आपके पास, अब देख रहे ये सीरीज यहां तक जाएगी, इधर ओके, तो मैं कह दूंगा कि दैट टू टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2n, एक लास्ट टर्म ऐड कर भी दो यार, मतलब आइए आप कहोगे कि यार ये तो इसमें, मैं कर दो यार, कोई बात नहीं कर दो यार, थोड़ी देर के कर दो, फिर क्या करोगे, मैक्सिमम सबट्रैक्ट करोगे, थोड़ा सा थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्यों। अब देखो तो मैं कहता हूँ एस टू एन इज ग्रेटर देन, ये देखिए क्या है, 1 प्लस 1 बाय 2, वो भी वैल्यू क्या है, 1 बाय 2 आपको दिखता है, सारे 1 बाय 2 आएंगे, ओके, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 है ना। अच्छा ये 1 by 2 कितनी बार आया, अपने आप से पूछिए ये 1 by 2 कितनी बार आया, देखो ये शुरू कहां से हुआ है, ये शुरू हुआ है 1 से, 1 क्या होता है 2 की पावर 0, नेक्स्ट क्या गया देखो 2 की पावर 1, 4 को क्या समझोगे आप 2 की पावर 2, कहां तक गया देखो 2 की पावर 2n माइनस 1, तो 0 से अगर 2n माइनस 1 तक गया तो कितने टर्म्स हुए, 2n टर्म्स, आप समझ रहे हैं यहां से यहां तक कितने टर्म्स है, 2n टर्म्स, 2n टर्म्स बाय 2 कर दिया आपने, तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, एस टू एन इज ग्रेटर देन 1 प्लस एन माइनस 1 बाई 2 एन, इसका मतलब एस टू एन इज ग्रेटर देन एन, क्यों भाई, बिकॉज़ दिस नंबर इज पॉजिटिव, एस टू एन एन से दोबारा आई, लेट एन बी डन, एक और आ गया, ये एस टू एन एन से आ गया, राइट, एन बी डन, चलो राइट, चलिए हम जल्दी से आ जाते हैं अरिथमेटिक एजीपी में, एजीपी का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए उसकी एपी में, नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए जीपी में, चलो देखो आपको ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस एन माइनस वन डी, ये सब एपी में देखते हैं, ऑफ कोर्स देखो इसको ए को ए मत समझो, ए इंटू वन समझो, देखो वन आर आर स्क्वायर ऑल द वे अप टू आर टू द पावर एन माइनस वन, ये जीपी में देखते हैं, ऑफ कोर्स, तो ऐसे सीक्वेंस को आप क्या कहते हैं, एजीपी, एजीपी मतलब दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो, और दो टर्म्स कैसे हो उसमें, ऐसे हो दो टर्म्स कि उसमें से फर्स्ट टर्म किसमें हो जाए एपी में, सेकंड टर्म किसमें हो जाए जीपी में, इधर ओके, तो ऐसे 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 सीरीज को क्या कहेंगे, एजीपी। कैसे निकालते हैं सम, आप कॉमन डिफरेंस ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा, अगर आपको रिजल्ट नहीं याद रहता है ये याद रखिएगा, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ जीपी, क्या है सॉरी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, अगर मैंने कॉमन डिफरेंस बोला जीपी करेक्शन, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी क्या है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी आर, आर से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, आर एस एन, और इसको मैंने शिफ्ट करके लिख दिया जस्ट सो दैट वी कैन सी ए पैटर्न, तो ये टर्म हो जाएगी, इसमें आर से मल्टीप्लाई किया ए आर, इसमें आर से मल्टीप्लाई किया ए प्लस डी इंटू आर, सो एन एंड सो फोर्थ, राइट, सबट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, करो सबट्रैक्ट क्या आ जाएगा, एस एन इंटू वन माइनस आर, राइट, ए तो ए ही रह गया, अब आपको दिखता है
ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस डी आर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यूब. आपको देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस इज माइनस डी आर नहीं. और अगर आप वन इंटू आर माइनस वन कर रहे हैं तो फिर वो क्या आ जाएगा आपके पास सो ए एंड दिस मस्ट बी प्लस. ये प्लस होना चाहिए फिर दैट मस्ट बी डी आर. वो डी आर आ जाएगा राइट. अब देखिए ना डी आर आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस जो मैं रब कर रहा हूँ सो दैट यू कैन सी जो मैं बताना चाह रहा हूँ. ये सब व्हाइट लाइन्स मैं रब कर रहा हूँ. ओके अब देखिएगा जिन पे मैं मार्क कर रहा हूँ उनको देखिएगा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा डी आर. इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा डी आर स्क्वायर. ऐसे ही करते करते जाओगे आपको दिखता है इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा डी आर टू द पावर एन माइनस वन राइट. और ये लास्ट टर्म तो ये लास्ट टर्म बची जाएगी एंड तो क्या आ जाएगा एस एन इंटू वन माइनस आर. क्या आ जाएगा देखिए ए माइनस डी आर तो ये प्लस हो जाएगा. मैंने गलत कैलकुलेशन कर रखी. अब देखिए डी आर पुल कर लिया वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर एन माइनस टू माइनस ये वाली टर्म. ओके अब ये एन माइनस वन टर्म्स के एबी का सम दिखता है आपको क्या हो जाएगा एन माइनस वन टर्म्स के एबी का सम. इट्स वन माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर एन माइनस वन अपन वन माइनस कॉमन रेशियो. तो ऐसे कुछ आ जाएगा राइट. एंड एस एन इंटू वन माइनस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी ए माइनस डी आर इंटू दिस नंबर एंड दिस. अब एस एन निकालना तो क्या करेंगे वन माइनस आर से डिवाइड कर देंगे राइट. तो ये भी प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा राइट. इनफैक्ट ये भी प्लस हो जाएगा. अब देखिए ये जनरल एजीपी का फॉर्मूला है फॉर एन टर्म्स. अगर आपको याद रखना मुश्किल लगता है तो प्रोसीजर याद रखिए. क्या है प्रोसीजर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना सब्ट्रैक्ट करना दैट्स इट वी आर डन. बट मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप इनफिनिट एजीपी का फॉर्मूला याद रखिए ही रखिए. ये सिंपल है. अगर मोड ऑफ आर लेस देन वन है जीपी वाली कंडीशन तो इट्स इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का स्क्वायर. याद रखिएगा. देखिए ये हम प्रॉब्लम देखते हैं. इट वाज आस्क्ड इन जेई मेंस. जेई मेंस 2014 की एक प्रॉब्लम है. अब लेट्स से कि मुझे याद नहीं होता है फॉर्मूला. अगर आपको नहीं याद है आइडियली मैं कहूंगा कि आपको याद होना चाहिए बिल्कुल याद होना चाहिए बट नहीं है तो देखिए हम करते हैं. और क्या करते हैं कि दैट टेन टू द एन देखिए टेन टू द एन प्लस 211 10 to the 8 311 square 10 to the 7 plus 10 into 11 to the 9 aur ye aa jayega k into 10 to the n. kiske wale puchhe k ki nikal hi lo yaar k sabse pehle to main dekhta hu k hai kya 10 to the n se divide kar do yaar 10 to the 9 se kya aata hai dekho 1 plus 2 into 11 upon 10 plus 3 into 11 upon 10 square. ऐसे करते चले गए प्लस 10 into 11 upon 10 to the 9. यही आती है की वैल्यू. आई बिलीव आपको भी ये दिख रही है राइट. ग्रेट. नाउ आपको ये एजीपी दिखती है नहीं दिखती है तो दिखनी चाहिए. ओके वन मोर थिंग रिगार्डिंग एजीपी चलिए मैं अभी बता देता हूँ सो दैट आई डोंट फॉरगेट कि ये जो एजीपी है ये जो आपने सारे फॉर्मुलेज डिराइव किए दे विल वैलिड अंडर द कंडीशन दैट कि आपके जीपी की फर्स्ट टर्म वन होगी. इंपॉर्टेंट बात है याद रखिएगा राइट. बट अगर आपके जीपी की फर्स्ट टर्म वन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे. क्या करेंगे उसके लिए आप जीपी की फर्स्ट टर्म वन बना देंगे. कैसे सोचो अगर फर्स्ट टर्म बी है जीपी की तो बी बाहर पुल कर लेना पूरे सीरीज से तो रिजल्टिंग एजीपी की फर्स्ट टर्म बी आ जाएगी ना आ जाएगी नहीं आ जाएगी राइट. दैट्स आइडिया राइट. फिर फॉर्मूला ये वैलिड हो जाता है. ओके कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम. अब मैं कह रहा हूँ कि ये एजीपी मुझे दिखती है क्यों. ये देखो 1 2 3 4 ऑल द वे अप टू 10 एपी है. 1 11 बाय 10 11 बाय 10 स्क्वायर ऑल द वे अप टू 11 बाय 10 की पावर 9 जीपी है. एजीपी हो गई तो निकाल इसका सम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे कर दीजिए व्हिच इज 11 बाय 10 के. तो ये क्या आ जाएगा 11 बाय 10 1 से मल्टीप्लाई किया इससे क्या तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 11 बाय 10 का स्क्वायर
नहीं, जब आप सोचो ना, जब आप 2 × 11 = 10 में अप्लाई करेंगे, ये आएगा, फिर आपके सो ऑन यहाँ पे आएगा आपके 9 × 11 / 10 की बार 9, राइट, एंड लास्ट में आ जाएगा आपके +10 × 11 / 10 की बार 10, ऐसे कुछ आ जाएगा, राइट। ये बात क्लियर है? एब्सोल्युटली ग्रेट। हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा आपको दिखता है, K − 11 / 10 इज सिंपली K − 11 / 10 इज सिंपली -K/10, है ना, इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो आपको दिखता है ये 1 और ये 0 है यहाँ पे, तो ये सिंपली 1 आ जाएगा, राइट। अच्छा देखो, ये 2 × 11 / 10 है और 11 / 10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 11 / 10। ये देखो, ये 3 × 11 / 10 है और ये का स्क्वायर है और ये 2 × 11 / 10 का स्क्वायर है, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 11 / 10 का स्क्वायर। ऐसे ही करते चले जाओगे, 10 × 11 / 10 की बार 9 और 9 × 11 / 10 की बार 9, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 11 / 10 की बार 9। डू यू एग्री, राइट? मैं कर रहा हूँ 11 / 10, 11 / 10 का स्क्वायर कहाँ तक भाई, 11 / 10 की बार 9 तक तो आपने मुझे बताया। अच्छा, ये वाली टर्म नेगेटिव में आ जाएगी, इट्स -10 × 11 / 10 की बार 10, आई बिलीव ये बताया, राइट। चलिए अब k की वैल्यू निकालिए जल्दी से, इसको सिंपलीफाई कीजिए, व्हिच इज -K/10। आपको ये जीबी दिखती है, यस, क्या दिखती है जीबी का फर्स्ट टर्म क्या दिखती है, 1, कॉमन रेशियो क्या दिखता है, 11 / 10। कितने टर्म्स की जीबी दिखती है, 10 टर्म्स की, क्योंकि शुरू हो रहा है 11 / 10 की पावर 0 से, ऐसे समझो, है ना। क्या आ जाएगा सम, सम आ जाएगा +1 फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज 11 / 10 की पावर 10 -1 अपॉन 11 / 10 -1 आर टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1 -10 इनटू 10, ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं, वो अब तो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचता है यार। सॉरी, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, डू यू रियलाइज, इनफैक्ट या सो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट दिस एज 1/10, आपको देखते हैं ये डिनोमिनेटर 1/10 आ जाएगा, राइट, तो वो न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा, 10 इज दैट ओके, इनटू क्या है, 11 / 10 की पावर 10 -1 -10 अपॉन 11 / 10 की पावर 10, सही है, ग्रेट। तो आपको दिखता है ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो गया, तो आपको दिखता है -K/10 की वैल्यू क्या बचती है, -10 की वैल्यू क्या बचती है, 100, एंड गेट डन, सो द was 100 and we're done. Again, क्या आइडिया था, जल्दी से सोचो क्या आइडिया था, मैं वापस से बोलूंगा, रिपीट करूंगा, आइडिया क्या था, जल्दी से एज भी वापस से इनका रिकलेक्ट करते, राइट, कंसोलिडेट करने में क्या आइडिया था, फर्स्ट टर्म एपी में, सेकंड टर्म जीपी में, कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कॉमन रेशियो जीपी से मल्टीप्लाई किया, सबट्रैक्ट किया, ग्रेट। और अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 1, ग्रेट। नहीं है फर्स्ट टर्म 1, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को 1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जो भी फर्स्ट टर्म है उसको बाहर पुल कर लेंगे, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर, ग्रेट। आ जाते हैं एन जे मिन इक्वालिटी, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है यार, देख लेते हैं। अगर आपके पास एन पॉजिटिव नंबर्स हैं, एवन ए टू ऑल द वे टू ए एन, एन, तो उनको उनका ए एम आप ऐसे डिफाइन करते हैं, उनका जी एम आप ऐसे डिफाइन करते हैं, उनका एच एम आप ऐसे डिफाइन करते हैं, तो एन जे मिन इक्वालिटी सेज दैट ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये है कि दैट इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ तभी होल्ड करेगी भाई, जब सीक्वेंस के सारे टर्म्स इक्वल हो, नहीं है सारे टर्म्स इक्वल, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, दिस इज इंपॉर्टेंट, इज देयर ओके, ग्रेट। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पता चल जाएगा, अ लुक दिस इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स बहुत 5 आती हैं अब जेई में 25 के ट्रेंड में, तो मैंने देखा है कि मतलब आई डोंट हैव अ क्रिस्टल बॉल, आपको पता है, नहीं, at best we can talk about probability,
2020 में मैंने देखा है कि सारी प्रॉब्लम सीक्वेंस इन सीरीज से थी इंटीजर टाइप में, तो वो इसलिए हम देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे। देखिए क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, है ना, ए इज पॉजिटिव, किसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी, ए की पावर 5, वन अपॉन ए की पावर 4, थ्री अपॉन ए की पावर 3, वन एंड एट, इनफैक्ट ए की पावर 10। ऑब्वियसली नंबर्स पॉजिटिव है तो एम से इनइक्वालिटी लगाना लगानी बनती है, राइट। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, इनफैक्ट ये प्रॉब्लम बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे। लोग एम जी एम इनइक्वालिटी को अब्यूज करते हैं, गलत आंसर निकाल लेते हैं, नहीं करेंगे आप, राइट। क्या मैं कहने वाला हूँ यहाँ पे, मैं ये कहने वाला हूँ यहाँ पे कि दैट अगर हम रेकलेसली एम जी अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट में क्या आएगा, 10 एंड 8 इज 18, 18 और 5 इज, अच्छा ए की पावर -5 है, माय बैड, सो दिस इज 1 अपॉन 85। तो अगर हम ऐसे रेकलेसली एमजीएम यूज करें तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, ए की पावर 18, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 व्हिच इज 12, ए कैंसिल नहीं होगा तो जीएम कांस्टेंट नहीं आएगा। तो आई बिलीव आप समझ रहे कि एमजीएम इनइक्वालिटी इस फॉर्म में फ्रूटफुल नहीं है, राइट। फिर किसी के दिमाग में आइडिया आ सकता है, अच्छा स्प्लिट कर दो, फिर पूछेगा किसको स्प्लिट कर दो, तो कहेगा अगर इक्वल पार्ट्स में करो, अब किसको इक्वल पार्ट्स में करो, 3 अपॉन ए की पावर 3 को। अच्छा मतलब आप ये कहोगे कि सम जो निकालना है, तो ये जो सम है इसको इस ऐसे स्प्लिट कर दो, कोई कह सकता है, नहीं कोई कह सकता है ऐसे स्प्लिट कर दो। अच्छा कोई कहेगा कि इक्वल पार्ट नहीं क्यों किया यार, ये सब बात का क्वेश्चन है, बट ऐसे स्प्लिट कर दो। तो अगर फर्स्ट अगर इक्वल पार्ट स्प्लिट यहां पे नहीं करते तो जीएम कांस्टेंट आता भी नहीं। खैर अब इस पे एन जीएम लगाते हैं, देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस अपॉन 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। जीएम मतलब क्या बताया था आपने, इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, ए 4 ए 3 वन अपॉन ए 3 वन, ए टू द 8, ए टू द 10, टू द 1 टू द 8, राइट। अच्छा अब इसका प्रोडक्ट क्या आ गया आपके पास, 1, तो इस पूरे सम की लीस्ट वैल्यू क्या आ गई, 8, दिखता है आपको, तो वी शुड बी हैप्पी, हमारे पास आंसर 8 आ गया, हमारे पास आंसर 8 आ गया, नहीं ए 10 इज ग्रेटर इक्वल टू 8, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ गई, 8। हाँ, खुश होना चाहिए हमें, राइट, नो, हमें चेक करना चाहिए। अब आप ऐसा अग्री करते हैं इसकी लीस्ट वैल्यू 8 होगी ना, जहां पे इसका मतलब वहां पे इक्वालिटी होल्ड कर रही होगी, राइट। आपने क्या बताया कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है, इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब सीक्वेंस के सारे टर्म्स इक्वल हो, ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, याद रखिए, ये चेक करना काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या बोलेंगे कि इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब 1 अपॉन ए की पावर 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए क्यूब, सीक्वेंस के सारे टर्म्स इक्वल हो, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए की पावर 8 इज इक्वल टू ए की पावर 10, राइट। जब ये ट्रू हो सिर्फ तभी जाके इक्वालिटी होल्ड करेगी, और फिर और अगर नहीं हुआ तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, राइट। नाउ वी आर लकी कि ए इज इक्वल टू 1 सैटिस्फाइज, ए इक्वल टू 1 सैटिस्फाई करता है, हम बहुत लकी हैं, राइट। और सोचिए अगर ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती तो आप मेरे से अग्री करते हैं कि यहाँ पे फिर यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, और अगर यहाँ भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करती तो आप लीस्ट वैल्यू बता नहीं पाते यार, नहीं। मैं कहता हूँ आपसे कि अ नंबर इज ग्रेटर देन 8, उसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, या मैं कहता हूँ अ फंक्शन टेक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 8, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, हु नोस, किसको पता है भाई, वो 10 से शुरू हो रहा है, 2020 से शुरू हो रहा है, या 8.1 से शुरू हो रहा है, सारी वैल्यूज फंक्शन की 8 से बड़ी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक करना कि क्वालिटी होल्ड कर रही है नहीं कर रही है, राइट। तो मैं कहूंगा कि जो हमने मेथड अडॉप्ट किया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो फ्लॉड है। क्या फ्लॉड है, जब भी ये एमजीएम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आए और कांस्टेंट भी हो उसमें, लीव दैट कांस्टेंट असाइड,
उस कॉन्स्टेंट को बाहर छोड़ दीजिए। तो प्रॉब्लम एक्चुअली आपको सॉल्व क्या करनी थी, ये आपको एक्चुअली इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी थी, आपको एक्चुअली इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी थी और इसकी लीस्ट वैल्यू में वन ऐड कर देना था। ओके, वही इसकी लीस्ट वैल्यू होती। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा फर्क क्यों पड़ेगा, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ फर्क पड़ जाएगा कैसे। इसकी लीस्ट वैल्यू निकालो, इसकी लीस्ट वैल्यू तो आप निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, वन ए क्यू, वन अपॉन ए क्यू, वन अपॉन ए क्यू, एट टू द एट प्लस एट टू द टेन, राइट, अपॉन कितने टर्म्स है यहाँ पे, सेवन, हमें करने नहीं जा रहा, अब जानते हैं प्रोडक्ट ऐसा कुछ आ जाएगा, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सम एस ले लेते हैं, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, सेवन यहाँ से, तो पूरे सम की लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, एट, क्योंकि सेवन ने आपने वन ऐड किया, राइट। बट आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड करेगी, कहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगी, जब ये सारे टर्म सीक्वेंस के इक्वल हो, सारे टर्म सीक्वेंस के इक्वल हो, और वो इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड करेगी, इक्वल वन पे। आप कहेंगे यार सेम ही तो आंसर आया, नहीं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सेम आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन, ए इज पॉजिटिव, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ, इसके सम के लीस्ट वैल्यू निकालनी है किसके, 1 अपॉन 8 टू द 5, 8 टू द 4, 3 8 टू द 3, 2, अब देखिए बैलेंस गड़बड़ा था कैसे, 8 टू 8, 8 टू द 10, राइट। अब हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई ए एन जी एम में सॉल्व करना है तो पहले कॉन्स्टेंट को बाहर भेज दो, राइट। तो इस तो आप किसके सम की पहले लीस्ट वैल्यू निकालोगे, आप पहले इसके सम की लीस्ट वैल्यू निकालोगे, और इसके सम की लीस्ट वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है क्या, उसकी लीस्ट वैल्यू सेवन, हम जानते हैं यहां से उसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, सेवन, राइट। तो इसके सम की लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आप उसमें टू ऐड कर दोगे, वो कहां पे आ जाएगा, नाइन। तो इसकी लीस्ट वैल्यू आप क्या बताओगे, इसकी लीस्ट वैल्यू नाइन, नहीं अब बता दोगे कि इनफैक्ट वो तब होगी जब ए की वैल्यू वन हो जाएगी, अप्रूव कर चुके हैं। कोई इग्नोरेंट बंदा क्या कर सकता है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि इग्नोरेंट बंदा इसी पे एमजीएम यूज कर ले, क्या कर दे, वन अपॉन ए की पावर फाइव, वन अपॉन ए की पावर फोर, वन ए क्यू, वन ए क्यू, वन ए क्यू, प्लस टू, प्लस एट, प्लस ए की पावर टेन, वो कहता है अपॉन एट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको दिखता है इन सब का प्रोडक्ट विल बी टू टाइम्स टू द पावर वन अपॉन एट, राइट। तो अगर उसके सम, इसका सम हम कुछ ले लेते हैं एस प्राइम, आपको दिखता है एस प्राइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एट टाइम्स टू द पावर वन बाई एट, आपको दिखता है वो स्टूडेंट क्या बोलेगा, उसके हिसाब से लीस्ट वैल्यू क्या होगी, एट इंटू टू टू द पावर वन बाई एट। बट आप समझ रहे हो उसने क्या चेक नहीं किया है, ये चेक नहीं किया कि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर भी रही है नहीं कर रही है, राइट। इक्वालिटी होल्ड करने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स इक्वल होनी पड़ेगी। सीक्वेंस की सारी टर्म्स इक्वल का मतलब 1 अपॉन ए की पावर 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 10। आप देखिए दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू फॉर एनी ए पॉजिटिव, क्योंकि ये सब इक्वल होंगे एट ए इक्वल टू 1, और जब ए को 1 पुट करोगे तो वो 2 के इक्वल कभी नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, राइट। तो फिर इनइक्वालिटी तो होल्ड करेगी, मैं इसको उनके आर्गुमेंट से अग्री करूंगा। अगर वो ये कह रहे हैं कि इसका सम 8 टाइम्स 8 रूट ऑफ 2 से बढ़ाएगा, आई एवरी बढ़ाएगा, बट कितना बढ़ाएगा वो उनको नहीं पता होगा, अब देयरफॉर उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू वो नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो आई विल से दैट गो ओवर दिस आइडिया अगेन, वापस से इस आइडिया को रिपीट कीजिएगा वीडियो में जो मैंने अभी बताया, राइट। और आप अगर देखेंगे तो जेई मेंस वाले जेई एडवांस की सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप को प्रॉब्लम्स को ऐसे ही पिक कर लेते हैं, राइट। तो एडवाइजेबल है कि आप ऐसी प्रॉब्लम्स करके जाएं, चलिए फाइन, चलिए हाउ अबाउट दिस, एक्स इज 1/1001 प्लस 1/1002 प्लस 1/1003 प्लस 1/3001। पूछा x कहाँ लाइक कर रहा है,
आइडिया देख क्या था कि यहाँ पे एम एचएम यूज कर सकते हैं इक्वालिटी, नहीं क्यों एचएम जैसा नहीं दिख रहा है आपको, दिखता है यहाँ से यहाँ में कितने टर्म्स हैं, 2001 नहीं बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे 3001 माइनस 1001 प्लस 1 व्हिच इज 2001, इतने ही तो टर्म्स हैं राइट। अब आपको दिखता है यहाँ पे एम एचएम यूज हो सकता है क्यों, रेसिप्रोकल का सम है, रेसिप्रोकल का सम कहीं पढ़ाया आपने एम एचएम, ट्राई करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि 1001 प्लस 1002 प्लस ऑल द वे अप टू 3001 अपॉन 2001 विल बी ग्रेटर देन, और मैंने सिंपली ग्रेटर ले लिया यार, इसलिए ग्रेटर ले लिया ना क्योंकि सीक्वेंस में टर्म्स इक्वल तो है ही नहीं, तो ए एम एच एम इक्वालिटी में इक्वालिटी तब होल्ड करती जब अनइक्वल इक्वल टर्म्स होते, जाने देते हैं राइट। वन अपॉन 1001 प्लस 1 अपॉन 102 प्लस 1 अपॉन 301 ऐसे कुछ आ जाएगा, एम एच एम इक्वालिटी यूज किए राइट। तो अब ये नंबर तो x है, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको दिखता है x इज ग्रेटर देन आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को ट्रांसपोज कीजिए, x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा देखिए, 2001 का स्क्वायर अपॉन 1001 प्लस 1002 प्लस 3001 ऐसा कुछ आ जाएगा राइट। ओके व्हिच मींस दैट x इज ग्रेटर देन 2001 का स्क्वायर टाइम्स, हैव अ लुक एट दिस, एक बार देखिए इसको, व्हाट डू यू गेट, आपको दिखता है ये एपी का समय कितने टर्म्स का, 2001 टर्म्स का समय, तो मैं लिख दूं कि n by 2, AP का सम होता है n by 2, first term, a plus last term, ऐसी होती है, right? अच्छा इतना मुश्किल नहीं है देखना कि ये वापस से 1001 plus 3001 upon 2 is 2001, तो नीचे भी 2001 का स्क्वायर बन जाएगा, तो x is greater than 1 आ गया, एक पार तो मेरे पास आ गया, नहीं आ गया, x पे एक बाउंड लाना था, तो x greater than 1 आ गया, तो देखिए क्या क्या रिफ्यूट हो गया, ये तो नहीं होगा भाई, है ना, और x greater than 1 आ गया, अच्छा अब x less than 3 by 2 लाना है, या पता नहीं x greater than 3 by 2 आ जाए, we don't know, तो at least ये तो हमने refute कर दिया, okay, अब second part पे आ जाते हैं, less than 3 by 2, less than 3 by 2 लाना है यार, मतलब कैसे करें, देखते हैं, तो देखिए x है क्या, x is, अब हम थोड़ा सा common sense use करने वाले हैं, and mathematical logic of course, देखो 1002 all the way up to इसको करते 1 upon 2001 ठीक है plus 1 upon 2002 to all the way up to 1 upon 3001 ऐसा होगा। okay अब इसका एक अपर बाउंड निकाला right, 3 by 2 है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, 3 by 2 कैसे कैसे आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या क्या आइडिया आया था, मैंने सोचा अच्छा 3 by 2 है ना, इसको 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 करे, ओके, तो कितने टर्म्स है मेरे पास, 2001 टर्म्स, तो कोई कोई एक पार्ट 1 by 2 से छोटा आ जाए, दूसरा पार्ट 1 by 2 से छोटा आ जाए, तीसरा पार्ट 1 by 2 से छोटा आ जाए, तो पूरा सम 3 by 2 से छोटा आ जाएगा राइट। फिर मैंने सोचा अच्छा तीन पार्ट थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, इनफैक्ट बेटर आएगा बाउंड बट टीडियस हो जाएगा, हाउ अबाउट दो पार्ट्स, अच्छा दो पार्ट्स कैसे करेंगे, 3 by 2 को दो नंबर्स का सम लिखना है, एक ऑब्वियस वे 1 एंड 1 by 2, तो फिर मेरे दिमाग में अच्छा ऐसा कुछ कर सकते हैं कि किसी पार्ट को 1 से छोटा कर दे और किसी दूसरे पार्ट को 1 by 2 से छोटा कर दे। देखिए अब यहां से यहां तक देख के बताइए कि यहां से यहां तक देख के बताइए कितने टर्म्स है, मैं सब करते हैं 1001 टर्म्स है, तो अगर मैं सभी को 1 upon 1001 से रिप्लेस कर दूं इस पार्ट में, तो अब मैं सब करते हैं कि रिजल्टिंग सम बड़ा होगा, ऑफ कोर्स बिकॉज आपके x में 1 upon 1001 से छोटे नंबर्स हैं, लाइक 1 upon 1002, 1 upon 1003, बट आपने सबको किससे रिप्लेस कर दिया 1 upon 1001 से, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1 upon 1001
इनटू 1/1001, इससे तो छोटा ही होगा, राइट? ओके, यहां तक तो क्लियर है, ग्रेट। अच्छा, यहां से यहां तक कितने टर्म्स बच गए बताइए? टोटल टर्म्स कितने थे? 2001। कितने टर्म्स यूज कर लिए? 1001। कितने और बचे? 1000। अच्छा, एक बार मुझे देख बताइए, अगर इन सबको हमने 2002 से रिप्लेस कर दिया, सबको 1/2002 से रिप्लेस कर दिया, तो क्या रिजल्टिंग सम जो होगा वो x से बड़ा हो जाएगा? ऑब्वियसली, क्यों भाई? बिकॉज आपका जो सम है वो उसमें 1/2002 से छोटे नंबर्स लिखे हुए हैं, लाइक 1/2002, 1/2003, 1/2004, ये सब 1/2002 से छोटे हैं, राइट? तो अगर आपने उन सबको 1/2002 से प्लेस किया, तो आप अग्री करोगे ना फिर कि जो रिजल्टिंग सम होगा वो उससे तो छोटा आएगा? डू वी अग्री? ग्रेट। अब आपको दिखता है ये 1 बनता हुआ, तो आपको ये तो 1/2 नहीं दिख रहा है, तो मैं बता दूंगा यार, मैं कहता हूं 1, अच्छा देखो, इज लेस देन 1000 इनटू 1/2000। सोचो, डिनोमिनेटर छोटा कर दिया तो क्या उसकी वैल्यू और बड़ी हो जाएगी? हो जाएगी ना, हो जाएगी ना भाई, तो देयरफॉर ये आ जाएगा, राइट? तो x लेस देन आ जाएगा, किससे लेस देन आ जाएगा? x 1+1/2, व्हिच इज 3/2। आई थिंक वी हैव गॉट आवर आंसर, आंसर आ गया, x लेस देन 1 एंड 3/2, राइट? बड़ी सारी वेज हैं और इसके बाउंड्स निकालने के, मैं एक भी और सजेस्ट करूंगा, आई एम सीवियरली लैकिंग टाइम, मुझे बहुत कुछ बताना था इस प्रॉब्लम के बारे में आपको, बट यहाँ पे ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, तो मैं ब्रीफली इसको बता के निकलता चलूंगा आपको, दैट एक चीज ये कि जब भी ऐसे सम आए, अच्छा होता है, अच्छा होता है कि आप उसको उसके मिड पॉइंट के अबाउट भी देखें, ठीक है? मिड पॉइंट क्या होगा? 2001 टर्म्स है, वही 1/2001 ही होगा यार। अगर मुश्किल है ना, तो सोचो कि 1001 प्लस 3001 अपॉन 2 क्या होगा? सिंपली 2001 होगा, राइट? ओके, यही वाली मिडिल टर्म होगी। अब मेरा क्लेम पता ही गया है, और देखिए एक अच्छी सी टेक्निक है, जैसे एवीएम ने किया था, और ये यूज करना, मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का सम इसके ट्वाइस से बड़ा होगा, इसके और इसके जस्ट पहले वाले का सम इसके ट्वाइस से बड़ा होगा। तो मेरा क्लेम ये है एक्चुअली कि दैट 1/2001 माइनस आर प्लस 1/2001 प्लस आर इज ग्रेटर देन 2/2001। ये है मेरे क्लेम, ये वेरीफाई करना इतना मुश्किल नहीं है, जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो, करो भाई, क्या आएगा न्यूमरेटर में? क्या आएगा आपको दिखता है? वो 2 × 2001 आएगा, ऑब्वियसली। ये क्या आएगा डिनोमिनेटर में? 2001 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, प्लस इज ग्रेटर देन 2/2001 आएगा, आएगा, कैंसिल वैंसिल कर दो, ये क्या आ जाएगा? 2001 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2001 का स्क्वायर, इट्स ऑलमोस्ट ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है, आप अग्री करते हैं मेरे से? हाँ, तो मैं क्या है? वापस से आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप लर्न करें ये टेक्निक, मैं छोड़ देता इसको अगर एपीजीपी की क्लास नहीं होती तो, बट मैं कहूंगा कि जब हार्मोनिक सीरीज आती है या फिर एपी की टर्म आती है और रेसिप्रोकल में भी है, तो ये कभी कभी अच्छा आइडिया होता है कि फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन करें, उसको बीच वाले से कंपेयर करें, राइट? ओके, तो मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अब आप देखते हो कि यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? 2001, तो ऐसे कितने पेयर्स होंगे? ऐसे कितने पेयर्स होंगे? 1000 पेयर होंगे, और एक ऑड मैन और बचेगा व्हिच इज 2001। ये क्लियर है? क्या आप मेरे से अग्री करते हैं कि जो सारे पेयर्स हैं उनका सम 2/2001 से बड़ा होगा, राइट? तो उन हजार पेयर्स का सम विल बी ग्रेटर देन, उन हजार पेयर्स का सम विल बी ग्रेटर देन 1000 इनटू 2/2001। Is that okay? और बीच में एक 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 odd man out बचेगा, क्या बचेगा odd man out? 1/2001। तो अगर ये 1/2001 add कर दिया इसमें, तो I believe आप मेरे से agree करेंगे कि x जो होगा वो इससे तो बड़ा होगा, right? क्यों x इससे बड़ा होगा? ये समझ में है, ये part कौन सा है? ये part वो है जब first और last को combine किया, first और last को combine किया, वो sum 2/2001 से बड़ा आएगा,
सेकेंड और सेकेंड लास्ट का भी सम 2.2001 से बड़ा आएगा. ऐसे कितने पेयर्स होंगे? 1000 पेयर्स, राइट? तो ये 1000 इंटू 2000, 1000 इंटू 2 अपॉन दिस, और ये वैल्यू 1 है. एक्स ग्रेटर देन 1 यहाँ से भी आ गया. चलिए मैं नहीं जा रहा इसमें और डिटेल में. इंटीग्रल से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कीजिएगा 1 बाई एक्स के इंटीग्रल से, राइट? आप देखेंगे और भी अच्छा बाउंड आएगा. नहीं जा रहा मैं इसमें. चलिए अब जल्दी से आ जाता हूँ स्पेशल सीरीज पे. वी डोंट हैव मच टाइम. देखिए स्पेशल सीरीज में दिस इज अ राइट ऑफ पैसेज. मैं अस्यूम करूंगा कि आपको आता है, और मैं आपको ये बता दूं 2020 पिकअप फोक्स. नाउ इस क्लास के बाद पिक कीजिए 2020 मेंस. दो प्रॉब्लम इंटीजर टाइप में कंबाइन ऑफ पेपर्स, दो इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है. इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे, सिर्फ इस फॉर्मूले पे एक प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ इस फॉर्मूले में. तो ये तो याद होना चाहिए बिल्कुल. सो व्हाट्स दैट? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज एन इनटू एन प्लस 1 बाय 2. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एन इनटू एन प्लस 1 इनटू 2 एन प्लस 1 बाय 6. सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर इज एन इनटू एन प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर. चलिए टेलीस्कोपिक सम देख लेते हैं. टेलीस्कोपिक सम का फंडा सिंपल है कि अगर आरएथ टर्म है सीक्वेंस की आपकी यू आर, और उसको आपने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर दिया. कैसे? यू आर को या तो आपने एक्सप्रेस कर दिया वी आर माइनस वी आर माइनस 1, या आपने एक्सप्रेस कर दिया वी आर माइनस 1 माइनस वी आर. तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है. योर लाइफ बिकम्स वेरी इजी. क्यों? देखो अगर यू आर ये है तो यहां से देखना यू वन क्या होगा. आर को 1 पुट कर दो, इज इट वी वन माइनस वी जीरो, ठीक है. यू टू क्या होगा? वी टू माइनस वी वन, एक्सक्यूज मी, यू थ्री क्या होगा? वी थ्री माइनस वी टू, एंड सो ऑन. un की वैल्यू क्या होगी? vn माइनस vn माइनस 1, राइट? ऐड कर दीजिए सबको, तो sn क्या आ जाएगा? प्लस vn माइनस v नॉट. यही तो चाहिए था. सिमिलरली दूसरे पार्ट में जब आप sn निकालेंगे तो आ जाएगा v नॉट माइनस vn. याद रखते हैं इस फॉर्मेट को, याद रखते हैं कि अगर vr माइनस 1 है और n टर्म्स पूछा गया तो इट्स vn माइनस v नॉट. vr माइनस 1 माइनस vr है तो इट इज v नॉट माइनस vn. याद रखते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी तो टाइम सेव करोगे, नहीं करोगे? हाँ चलो. तो मैंने उस टाइप पे एक प्रॉब्लम दी है ना, और जैसा पूछा है 2020 में. ये देखिए फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इसकी आरएथ टर्म लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, फिर सम करेंगे. चलो आरएथ टर्म क्या है? पहले डिनोमिनेटर में देखो, फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है? 1 स्क्वायर. सेकंड में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. थर्ड में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो आरएथ में क्या होगा? 1 square plus 2 square plus 3 square plus all the way up to r square. Okay? Chale. Next. Numerator mein 357 ko pe hum baad mein deal karenge. 1 cube dikhta hai. Phir dikhta hai 1 cube plus 2 cube. Third mein dikhta hai mujhe 1 cube plus 2 cube plus 3 cube. Arith mein kya dikhega aapko? Arith mein dikhega aapko 1 cube plus 2 cube plus all the way up to r cube. Ab hum aa jaate hain 357 pe. फर्न में 3 है, नेक्स्ट में 5 है, 7 में, थर्ड में 7 है. 357 एपी दिखती है. एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2. फर्स्ट टर्म क्या है? 3. क्या हो जाएगी उसकी आरएथ टर्म? क्या हो जाएगी आरएथ टर्म? ऐसे यही हो जाएगी. इज इट 2r प्लस 1? मैं लिख दूं ये 2r प्लस 1 है. इज दैट फेयर? निकालना क्या कितने टर्म्स का? एन टर्म्स का सम. 10 टर्म्स का सम, माय बैड. निकालना क्या सम? ऐसा कुछ आएगा. इनफैक्ट मैंने क्या कर दिया, मैंने आर, मुझे आर लिखना चाहिए था इससे, मैंने एन लिख दिया, राइट? तो दिस इज एक तो सिग्मा भी आएगा ऑफकोर्स. सो आई नीड टू रब अ लॉट. नाउ आर रन्स फ्रॉम 1 टू 10, और ये क्या बताया था आपने? आर इंटू आर प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर. आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2 आर प्लस 1 बाई 6. कैंसिल करो, 2 आर प्लस 1 कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, तो आपको दिखता है सम क्या आ जाएगा. सम आ जाएगा प्लस 6 बाई 4 सिग्मा. R runs from 1 to 10. Simply क्या बचेगा मेरे पास?
r into r plus 1, which is 6 by 4, 6 by 4, sigma, r runs from 1 to 10, r squared plus r. That's what Chazaga, right? So this is going to square simplify. What do you get? Which is 6 by 4. आपको दिखता है ये है sum of squares of 10 natural numbers, first 10 natural numbers. ये sum of first 10 natural numbers. मैं values put करने वाला simply. क्या आ जाएगा? N into N plus 1 into 2N plus 1 by 6. First ये आएगा. Next आएगा हमारे पास N into N plus 1 by 2. By 2. ऐसा कुछ आ जाएगा, right? Oh, okay. So कुछ बाहर pull कर लेते हैं यार. पुल कर लेते हैं कुछ 10 इंटू 11, 6 बाय 4 इंटू 10 इंटू 11 पुल कर लिया. व्हाट डू यू लेफ्ट विद, क्या बचता है यहाँ पे? 21 बाय 6, 21 बाय 6 इज इनफैक्ट 7 बाय 2, नॉट 71, 7 बाय 2, 10 इंटू 11 पुल किया तो क्या बचेगा? 1 बाय 2. अब 7 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इज 4. It's simply 6 into 10 into 11, which is 660. 11 into 6 is 66, and which is 660, and we are done. तो देखो, अगर आपने देखा, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद होता और अगर आप इसको अप्लाई करना जानते तो ये प्रॉब्लम जल्दी से हो जाती, राइट? मूविंग ऑन, सम टू इन टर्म्स ऑफ द सीरीज. चलिए इसके इन टर्म्स का सम निकालना है, राइट? फर्स्ट क्या करने वाले हम, जनरल टर्म लिखेंगे. क्या हमने डिस्कस किया था? जनरल टर्म. So, जन डॉम लिख के बताओ, टी आर व्हाट्स आर इक्वल टू, न्यूमिनेटर में क्या है बताओ, आर. डिनोमिनेटर में देख के बताओ क्या है, वन है, फिर वन स्क्वायर है, फिर वन के पावर फोर है, फिर वन है टू स्क्वायर टू के पावर फोर है, फिर वन है थ्री स्क्वायर थ्री पावर फोर है. इज इट वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर फोर. अच्छा, इससे आप डील करना जानते हैं डिनोमिनेटर से, राइट? क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं डील करना? आप इसको लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर. आप आर स्क्वायर एड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, याद है आपको? Which is r upon, ये क्या बन जाता है? It's r square plus 1 का square minus r square. करते हैं, ये तो standard technique है, right? नहीं, standard technique याद है आपको, याद कर लीजिए. चलिए देखिए, r, ये क्या है? ये r square plus r plus 1 और ये r square minus r plus 1. अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2r. इसको लिखा जा सकता है 1 by 2 r plus 1 माइनस दिस, राइट? अब सिंपलीफाई किया तो ये क्या जाएगा? 1 बाई 2. अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो कुछ कैंसिल हो गया यार. इट्स 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1. अब ये अगर वी आर माइनस वन है ना, तो ये वी आर है. कैसे? अब आर को आर माइनस वन से रिप्लेस कर दो इसमें और देखो ये आ जाएगा. दैट्स द क्लेम. क्लेम ये मतलब, अगर मैं कह रहा हूं भाई कि वी आर अगर ये लेते हो ना, तो वी आर माइनस वन सिंपली आर स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा. कर लो देखिए, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूँ ना कि आप कर लोगे. कर देता हूँ, चलो. वी आर माइनस वन क्या होगा? आर माइनस वन का स्क्वायर माइनस आर माइनस वन प्लस वन. ये देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर तो बचेगा, यहाँ से माइनस टू आर आएगा, दिखता है आपको? इज देयर ओके? इनफैक्ट ये प्लस होगा ना, तो ये माइनस टू आर यहाँ से आएगा और यहाँ से आर आएगा, वो क्या आ जाएगा? माइनस आर. ये माइनस वन कैंसिल हो गया, प्लस वन बच गया. ठीक कह रहा था मैं. तो आपको ये वी आर माइनस वन दिखती है, तो पहले एन टर्म्स का सम बताओ. क्या हमने बोला था, क्या हो जाता है? एन टर्म्स का सम हो जाता है एस एन इज, हो जाता है मेरे पास वी नॉट माइनस वी एन. यही हो जाता है, लिख ही देते हैं ना. वी नॉट, वी नॉट का मतलब क्या होगा? वी नॉट कैसे निकालोगे? अगर वी आर ये है तो वी नॉट कैसे निकालोगे आप? आर को जीरो पुट करोगे, आर को जीरो पुट करोगे, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? ये जीरो, तो वो क्या आ जाएगा? वन. माइनस वी एन क्या हो जाएगा? आप आर को एन पुट करोगे, कर दो n square plus n plus 1. But मुझे लगता है कि ये वैल्यू ये निकालनी नहीं थी. क्या निकालना था? लिमिट n tends to infinity sn, लिमिट n tends to infinity sn की वैल्यू निकालनी थी, राइट? वो आ जाएगा लिमिट n tends to infinity
1 by 2. And 1 minus n square plus n plus 1. इतना मुश्किल है देखना कि ये पार्ट जीरो चला जाएगा. इतना मुश्किल है देखना कि इसकी वैल्यू 1 by 2 आ जाएगी. Right? We are done. ये वैल्यू क्या आ जाएगी बस? 1 by 2. Also, right, so which brings me to this problem, or this problem is from the Azadon, that if S is this, and that will be our concluding problem, that if S is this, agar S ye hai, to 2S ki value bata dijiye, infinitely greater. Infinitely great mein, yaar, hum kabhi bhi aise infinitely great terms ke baare mein nahi sochte, in general. Hum pehle N terms ke baare mein sochte hain. Uske liye ek achha sa telescopic formula nikaal lete hain. फिर वहां पे n tending to infinity put कर देते हैं, राइट? ओके, तो देखिए जनरल टर्म क्या है, अगर मैं देखूं जनरल टर्म क्या है, इट्स 1 into 3 into 5 into 7 all the way to 2r minus 1 upon 2 into 4 into 6 all the way up to 2r plus 2. एक बार देखिए, ये देखते हैं आपको, इज दैट ओके? या देखिए टी आर को ऐसा लिखा जा सकता है, लेट मी राइट टी आर एज 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. ये छोटा सा मैनिपुलेशन देखिएगा, है ना, ये छोटा सा मैनिपुलेशन देखिएगा. मैं 1 को लिखता हूं एक्चुअली, देखिए क्या आप अग्री करते हैं कि मैंने टी आर में कोई चेंजेस नहीं किए? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2 आर प्लस 2. देखो ना क्या क्या है, 2r plus 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या 2r plus 1. अच्छा, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, 2r होगी, जस्ट अपने इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया, राइट? अच्छा, ऐसा क्यों किया? अब आप देखो, अब आप इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करो, एक टर्म बनाओ, इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करो, दूसरी टर्म बनाओ, और फिर देखो क्या आ जाएगा. तो मैं देखता हूँ टी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी. देखिए 1 into 3 into 5 into 7 into 2r minus 1 upon 2 into 4 into 6 all the way up to 2r minus 1 into 3 into 5 into 7 all the way up to 2r minus 1 into 2r plus 1 upon 2 into 4 into 6 into all the way up to 2r into 2r plus 2. पहले अपने आपको कन्विंस कीजिए कि हमने कैलकुलेशन ठीक किया और मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस डिस्ट्रीब्यूट किया दो ब्रैकेट्स को, इसको दोनों ब्रैकेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया. अब देखो क्या होगा, मैं ये सब रब कर रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि हुआ क्या. हुआ ये यहां पे देखिए कि जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे डिवाइड किया, आपको दिखता है 2r plus 2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट? तो बचेगा क्या, सिर्फ 2r बचेगा, राइट? इज दैट ओके? अच्छा, जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको दिखा एक एडिशनल टर्म आ जाएगी 2r plus 1 वाली, ये क्लियर है ना? तो अब मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये वाली टर्म, जो मैं बॉक्स बनाने वाला हूं, ये वाली टर्म अगर vr minus 1 है ना, तो फिर ये वाली टर्म vr है. ये वाली टर्म vr है, ये आपको दिखता है, नहीं दिखता है? अगर आप r को इसमें r माइनस 1 से रिप्लेस कर दो तो वो वाली टर्म आ जाएगी, राइट? इतना तो हमें पता है. तो n टर्म्स का सम क्या आ जाएगा? अब यूजिंग दैट फॉर्मूला vr माइनस 1 हमने किया था, मुझे याद होता है, आपको भी याद होना चाहिए, vr माइनस 1 माइनस vr होता है, उसके n टर्म्स का सम क्या आता है, v0 माइनस vn. वो क्या आ जाएगा मेरे पास, n टर्म्स का सम क्या आ जाएगा मेरे पास, v0. मुझे बताओ v0 का मतलब क्या होगा, आप r को 0 पुट करोगे? सोचो यार, अगर आप r को 0 पुट करोगे यहाँ पे, सोचो r को 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 1 बचेगा, राइट? r को 0 पुट करोगे आपको दिखता है डिनोमिनेटर में 2 आने वाला है, इट्स 1 बाई 2. माइनस क्या आने वाला है, vn क्या आने वाला है, ये 1 into 3 into 5 into all the way up to 2n plus 1 upon 2 into 4 into 6 into all the way up to
ये आ जाएगी राइट। आपको ये एन टर्म्स का सम निकालना है, बट एक्चुअली उन्होंने इन्फिनिट टर्म्स का सम पूछा था। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन क्या हो जाएगी, हो जाएगी 1/2 माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये वाला एक्सप्रेशन 1 × 3 × 5 × 2n+1 अपॉन 2 × 4 × 6 ऑल द वे टू 2n+2 ये हो जाएगी राइट। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ऑब्वियसली राइट। आपको पता है मैथ्स में ऑब्वियसली से ज्यादा डिसेप्टिव टर्म कोई नहीं है राइट। ऐसे तो मैं ऑब्वियसली बोल के सब कुछ बोल सकता हूँ, नहीं फिर तो मैं आंसर ही बोल देता इसका, ऑब्वियसली आंसर 2 1 होगा। नहीं एक्चुअली इट्स नॉट दैट ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है नहीं। अब मैं ये कहूंगा कि ये सीरीज अच्छी सी है, बट इसकी लिमिट जीरो होती है, इसको प्रूव करने के बड़े सारे वेज हैं। एक वे मैं आप बता रहा हूँ, आप ऐसे प्रूव कीजिएगा यूजिंग सैंडविच थ्योरम। और मेरा क्लेम है कि दैट दिस लाइज बिटवीन, और ये अच्छी सी सीरीज है तो इसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है ना। ये जो होता है ना ऑड का प्रोडक्ट और अपॉन इवन का प्रोडक्ट, ये अच्छी सी सीरीज है, इसके बारे में कुछ कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए मुझे लगता है। तो मेरा क्लेम ये है कि ये पॉजिटिव तो है ही, और रूट अंडर 3n+1 से हमेशा छोटा है। अब ये प्रूव कर दीजिए यूजिंग इंडक्शन, यूज PMI प्रूफ, इसको प्रूव कर दीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ओके अगर आपने कर दिया तो अब यूज कर लीजिए इसमें क्या, सैंडविच थ्योरम। लेट n टेंड टू इंफिनिटी, आपको दिखता है ये वैल्यू जीरो हो जाएगी लिमिट की, आपको दिखता है ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपको दिखता है ये नंबर जीरो के बीच में सैंडविच हो गया। तो अब मैं इसे एग्री करते हैं, इसका मतलब उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब आपको दिखता है कि इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो इसका मतलब 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एंड बेटर राइट। अच्छा तो यहाँ पे दो आइडिया था, एक कि आपको इंट्रोड्यूस करना इस टेलीस्कोपिक सम से। टेलीस्कोपिक सम की भी प्रॉब्लम आई है 2020 में मॉर्निंग में 8th की शिफ्ट में, टेलीस्कोपिक सम है। तो एक हम टेलीस्कोपिक सम करना चाहते थे। अच्छा दूसरे क्या मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता था इससे, मतलब इस सीरीज से हम ना इसको याद रखते हैं कि 1/√3n+1 से छोटा ही इक्वल होता है। अगर इंफॉर्मेशन थी तो इन्फॉर्मेशन ही याद रखते हैं राइट, इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसके बारे में कुछ कुछ याद रखते हैं। चलो ऑलराइट, सो आई एम होपिंग दैट दिस वाज ऑफ सम यूज टू यू। आई विल सिंसियरली होप कि मैंने जिन पॉइंट्स पे बोला आप वापस से एक बार देखिएगा, पर्टिकुलरली दैट AMGN गलत कब करते हैं वो देखिएगा। मैंने क्या बोला कि इस बार बहुत पूछा उन्होंने इस वाले फॉर्मूले से, स्पेशल सीरीज से, स्पेशल सीरीज अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट AGP की प्रॉब्लम्स कुछ देख लीजिएगा, फिर कुछ AP की प्रॉब्लम्स जो हमने की वो देख लीजिएगा। आई थिंक दिस शुड एनकंपास, याद रखिएगा ये चैप्टर अच्छे से करके जाइएगा। ऑन एन एवरेज वो 2 प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी अनलकी नॉट टू गेट 2 प्रॉब्लम्स। आप सोच रहे हैं कि 6 पेपर्स में 11 क्वेश्चंस है, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली अनलकी नॉट टू गेट 2 क्वेश्चंस राइट। इतनी प्रिवेलेंस है इसकी, आसानी क्वेश्चंस आते हैं यार, क्यों नहीं हम स्कोर कर ले पूरा। चलिए ग्रेट, सो दिस इज वेयर आई विल कॉल इट ऑफ एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड वी आर डन।